आजम खान रामपुर के 111वें पायदान पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में रामपुर को 111वें पायदान पर रखा गया है। इस पर सपा नेता आजम खान ने काफी तंज भरे अंदाज में कहा, उनकी रिपोर्ट से सहमत हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ करें, भला हम मलीचों के लिए, हम गंदों के लिए, हम बर्बादी माना के लिए, हम जाहिलों के लिए पाकिस्तान न भेजें हमें। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधिकरण को संदर्भ बताया। इस पर आजम खान ने कहा, ऐसे लोगों से इस्तीफा दिलवाएं, देश को पाक करें, अगर मैं भी हूँ तो मुझे भी हटाएं ये, और मुझे बताएं भारत के इतिहास में मेरी जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति ने अगर शिक्षा में दान में इतना बड़ा काम किया हो तो उसका नाम बताएं। ऐसे काम क्यों नहीं करता राजनेता, विश्वल ईद की बधाई देते आजम खान। आजम भाई, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधिकरण को सड़ान बताया है, ऐसे लोगों से इस्तीफा दिलवाए, देश को पाक करें, अगर मैं भी हूँ तो मुझे भी हटाए और मुझे बताएं भारत के इतिहास में मेरी जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति ने अगर शिक्षा के मैदान में इतना बड़ा काम किया है खुद भारतीय इतिहास में, उसका नाम बताएं। ऐसे काम क्यों नहीं करते राजनेता, बनाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ लेकिन नफे के लिए। असम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है, रामपुर 111वें पायदान पे है, तो आप उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और ये चाहता हूँ कि कुछ करें, भला हमारे लिए, हम मलीचों के लिए, हम गंदों के लिए, हम बर्बादे ज़माना के लिए, हम जाहिलों के लिए पाकिस्तान न भेजें हमें।